क्या आपको पता है कि एक 1.5 टन का एसी दिन में 20 लीटर तक कंडेंस वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत सारे लोग इस पानी को ड्रेनेज में बहा देते हैं, जो कि बहुत बढ़िया पानी का एक वेस्टेज है। ये पानी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी के पानी को आप प्लांट में सही तरीके से कैसे यूज़ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि एसी के पानी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं प्लांट में, तो लॉन्ग टर्म में ये आपके प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे घर में 2 1.5 टन के एसीज़ हैं और ये दिन में 8 से 10 घंटे तक चलते हैं, एंड ये ऑलमोस्ट 40 से 45 लीटर तक पानी प्रोड्यूस करते हैं, जो इन बकेट्स में कलेक्ट होता है। तो ये पानी मेरे हाउस होल्ड में 2 जगह यूज होता है, पहला है फ्लोर क्लीनिंग और दूसरा है प्लांट। लेकिन प्लांट में डालने से पहले मैं इसमें मिलाता हूँ और दूसरे तरीके का पानी। वो बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसी का पानी प्लांट्स के लिए अच्छा क्यों है। सबसे पहले इस पानी में क्लोरीन और फ्लोराइड नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है फ्लोराइड और क्लोरीन पानी को साफ़ करने के काम आता है, जो कि इस पानी में नहीं होता है। इसकी जो पीएच लेवल होती है वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, और तीसरा इसमें जो मिनरल्स की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। और जब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो इसकी TDS वैल्यू भी देखते हैं। TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, और यह दिखाता है कि आपके पानी में कितने मिनरल्स और सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। और कौन कौन से अवेलेबल हैं उसके लिए आपको के पानी का टेस्ट कराना पड़ेगा, वो TDS मीटर से पता नहीं चलता है। तो इसका TDS वैल्यू देखने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये TDS मीटर। तो इस AC के पानी की TDS वैल्यू है 30, और 30 वैल्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि प्लांट्स को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं एक ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। और हर प्लांट की जो TDS रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी अलग होती है। जैसे कि सब्जियों के प्लांट्स, जैसे टमाटर हुआ, जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, उनकी जो TDS वैल्यू होती है वो उनको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और जैसे कि आप जानते हैं, सकुलेंट्स और कैक्टस, जिनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कम है, उनको कम TDS चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स 50 से 150 TDS वैल्यू तक अच्छे ग्रो करते हैं। अगर जो पानी आप प्लांट में डाल रहे हैं उसकी TDS वैल्यू कम है, तो आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी हो सकती है, जो प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देगी और प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है। तो इस कम TDS को टैकल करने के लिए मैं AC के पानी में मिक्स करता हूँ ये RO से निकला हुआ वेस्ट पानी। तो RO के वेस्ट पानी को भी हम ड्रेन में बहा देते हैं, लेकिन मैं इसको भी कलेक्ट करता हूँ इस टब में, और पूरे दिन में ये टब पूरा भर जाता है। ये 20 से या आई थिंक 25 लीटर का टब है। और इस पानी को भी आप डायरेक्टली प्लांट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो TDS लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1110 के आसपास इसका TDS लेवल है, जो कि बहुत ज़्यादा है प्लांट्स के लिए। और अगर TDS लेवल ज़्यादा होगा तो पानी में ज़्यादा मिनरल्स होने की वजह से आपके प्लांट की रूट डैमेज हो सकती है, प्लांट में न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस बढ़ सकता है, और प्लांट्स में पानी लेने की जो कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे आप प्लांट को डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ सकता है। और आपने देखा भी होगा कि आपके पॉटे मिक्स के ऊपर कभी कभी एक सफ़ेद सा कुछ दिखने लगता है, और वो जब भी होता है जब आप ज़्यादा TDS का पानी यूज़ करते हैं, मेनली टैप वाटर, क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारी जगहों पर क्लोरीन और फ्लोराइड का यूज़ हो सकता है, जिससे उसकी TDS की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप RO के वेस्ट पानी में मिक्स कर सकते हैं AC से निकला हुआ ये पानी, क्योंकि उसकी जो TDS वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। आप ये आधा आधा भी मिक्स कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्लांट में चाहिए। और आप एक प्रॉपर बैलेंस भी बना सकते हैं कम या ज़्यादा का। अगर आपको कम TDS तो AC का पानी ज़्यादा मिक्स कीजिए, और अगर ज़्यादा TDS का चाहिए तो आप RO का पानी मिक्स कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि किस प्लांट में डाल रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम RO और AC के पानी को सही तरीके से मिक्स करके अपने प्लांट के लिए एक आइडियल वाटरिंग मीडियम बना सकते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप RO के पीने का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी TDS वैल्यू 150 तक होती है, जो कि किसी भी प्लांट के लिए आइडियल है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो आपको एक बहुत बड़ा RO चाहिए होगा। और अगर आप हाउस होल्ड, जो हमारे घर में RO लगता है, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो उस ज़्यादा लोड पड़ सकता है, जिससे सर्विसिंग और उसके फ़िल्टर जल्दी जल्दी बदलने पड़ेंगे और आप पर खर्चा आएगा। तो इस खर्चे को बचाने के लिए आप एक TDS मीटर पर इन्वेस्ट करें और फ्री में बढ़िया पानी अपने प्लांट को दें। इस TDS मीटर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अब AC के पानी को यूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले AC का पानी को सिर्फ
फ्लोर क्लीनिंग या प्लांट के लिए ही यूज़ करें, उससे नहाए ना और उससे कपड़े भी ना धोए, क्योंकि इसमें हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो आपके स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं। दूसरा, यह पानी काफ़ी ठंडा होता है जब एकदम एसी से निकलता है, तो प्लांट में यूज़ करने से पहले इसको एक रूम टेम्परेचर पर आने दें। तीसरा, अगर आपके एसी का फ़िल्टर काफ़ी गंदा है तो एसी के फ़िल्टर को साफ़ कर लें, और जो आपके पानी में जो भी आपका कलेक्टेड पानी है उसमें गंदगी आई है उसको साफ़ करके ही यूज़ करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। आप एसी के पानी को टैप वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है, आप अभी बारिश हो रही है, मॉनसून का टाइम है, आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है आपके प्लांट के लिए। जितना हो बारिश का पानी कलेक्ट करें, और एसी और आरओ के पानी को सही तरीके से कलेक्ट करके उसका भी सही तरीके से यूज़ करें, पानी बचाएं। ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है TDS को लेकर या कुछ भी एसी के या आरओ के पानी को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।